नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। गणतंत्र दिवस पर बिना टीकाकरण और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को परेड में अनुमति नहीं। गणतंत्र दिवस परेड में लोगों को राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने समेत कोविड संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। संबित पात्रा ने अखिलेश और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। चुनाव में जिन्ना को हमारी पार्टी लेकर नहीं आए बल्कि अखिलेश यादव लाए हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं, वे दुश्मन मानेंगे भी कैसे। जो करे जिन्ना से प्यार वह कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। महाराष्ट्र के इचलकरंजी के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों की संपत्ति हुई जलकर खाक। महाराष्ट्र के इचलकरंजी की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। टेक्सटाइल पार्क में स्थित इस कंपनी में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई, करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। सुबह 9 बजे लगी ये आग, 3 घंटों की मशक्कत के बाद बुझ पाई। मुंबई में ठंड प्रचंड, टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड। पाकिस्तान से आई सफेद पाउडर की आंधी बनी हुई है मुसीबत। मुंबई में पिछले 10 सालों में सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। ना सिर्फ ठंड प्रचंड हुई है बल्कि एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। IMD द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक मुंबई और पुणे में पाकिस्तान से एक सफेद पाउडर जैसी धूल की चादरें बिछ गई हैं। चोरी छिपे वार कर रहा ओमिक्रॉन का सब स्ट्रेन RT-PCR की पकड़ में नहीं आता। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मच रही तबाही अभी शांत नहीं हुई थी कि इसके एक सब स्ट्रेन ने चोरी छिपे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। मनोज सिन्हा ने दी देश की बेटियों को बधाई, बोले उन्हें सशक्त बनाने के लिए सामूहिक कोशिश करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा मैं देश की बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए सलाम करता हूँ। वे वैश्विक महामारी से लड़ने वाली हमारे स्वास्थ्य प्रणाली का आधार स्तंभ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से PM मोदी ने की वर्चुअली बातचीत। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए बांटे डिजिटल सर्टिफिकेट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से जमकर बात की। PM मोदी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। गोवा में चुनाव आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, 20 FIR दर्ज। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 फरवरी होगी। लखीमपुर खीरी में मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक की लॉकअप से निकलते ही मौत। परिजनों का आरोप पुलिस की पिटाई से गई जान। आरोप है कि परिवार वालों के वापस आने पर चौकी इंचार्ज और दोनों सिपाहियों ने राहुल की जमकर पिटाई की थी। पिटाई से जब उसकी हालत बिगड़ गई तो घर वालों को बुलाकर राहुल को सौंप दिया गया था। बेल्जियम में कोविड प्रतिबंधों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बेल्जियम में कोरोना चरम पर है, कोरोना की रोकथाम के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भारत में 15 फरवरी तक थम जाएगी कोरोना की रफ्तार, कुछ राज्यों और मेट्रो शहर में कम हुई कोविड केस। सरकार के सूत्रों ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में 15 फरवरी तक कमी आ जाएगी। वर्तमान में कोविड केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान बर्फ में दबकर शहीद हुआ बागपत का लाल, गांव में सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बागपत के बिनौली क्षेत्र के गांव खपराना के रहने वाले अनुज कुमार पुंडेर साल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। वह इस समय लद्दाख के द्रास सेक्टर में सेना की 11 ग्रेनेडियर्स यूनिट में तैनात। JNU की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। 1000 CCTV फुटेज खंगालने के बाद मिली कामयाबी। दिल्ली पुलिस ने JNU कैंपस के अंदर बाहर और आसपास लगे 1000 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की थी और उन्हीं में से एक में आरोपी नजर आ गया। पूरे उत्तर भारत में सर्दी की मार, पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली में जनवरी महीने में बारिश ने 121 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। DDMA ने COVID-19 से मरने वाले मरीजों के परिजनों की सहायता के लिए जारी किए 100 करोड़ रुपए। DDMA ने राजधानी दिल्ली के COVID-19 में मरने वाले मरीजों के परिवारों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मेंटेनेंस कार्य के चलते ठप हुई भारतीय रेलवे की साइट IRCTC, लोगों की बड़ी मुश्किल है। भारतीय रेलवे की साइट IRCTC मेंटेनेंस कार्य के चलते ठप हो गई है जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। WHO की चेतावनी ओमिक्रॉन आखिरी नहीं है, अभी सामने आएंगे और भी नए कोविड वेरिएंट। WHO चीफ ने कहा कि ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से दुनिया भर में 8 करोड़ से ज़्यादा केस आ चुके हैं, यह पूरे 2020 में आए मामलों से भी ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आखिरी COVID-19 वेरिएंट नहीं। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।